सिंगल नंबर डालने वाले भी एक गिरोह सक्रिय है, उसको भी पकड़ा जाए, ये चारों चोरों को पकड़ा जाए। एक पंडित है मंदिर पर, कोई पंडित है ही नहीं, धाम के नहीं है, वो बाहर का झूठ मूठ का लगा हुआ है, जो आपको 10 रुपया की रसीद काटेगा, उसको भी पकड़ा जाए। आगरा का एक ढाबा वाला है, जो ढाबा वाला पूरे गिरोह का मुखिया है, उसको भी पकड़ा जाए, उसके ढाबा पर ही पूरा सामान बरामद होगा, जो फ्रॉडगिरी करके भक्तों की रसीद काट रहा है। धाम पर गलत करने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, और पकड़ करके इनको शासन प्रशासन को सुपृत करो, उसको पकड़वाओ। और यहाँ पर खड़े हुए भक्तों को भी निवेदन है, इस वीडियो को बनाकर जरूर जन जन तक पहुँचाओ, ताकि कोई भी ऐसे फ्रॉडगिरी में ना पड़े। बागेश्वर धाम निःशुल्क था है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। एक जगदीश नाम का भी होगा, एक उसमें जगदीश नाम का भी होगा, एक इस ग्रोह में नाम उसका जगदीश होगा, वो इस ग्रोह का सक्रिय माइंडर है। ये लोग रसीद कट्टा काटते हैं हमसे मिलवाने के नाम पर, रसीदें काटते हैं टोकन नंबर के नाम पर, ये फ्रॉड है। यहाँ राजा हो चाहे प्रजा, सब निःशुल्क था है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। हम नहीं होने देंगे। हमने संकल्प ले लिया कि हर 1-2 महीने में ऐसी बुलेट प्रूफ लगाते रहेंगे, हर 1-2 महीने में हनुमान जी ऐसी लीला करते रहेंगे। देखो तो राम राम राम, इस बच्चे ने अच्छा विवेक लगाया। अच्छी कहाँ मिल गया था? हाँ परिक्रमा में ना, हाँ, वो सामान जब्त करवाना है, पुलिस को बोलकर सामान जब्त करवाना है ढाबा वाले का। उसने चोर पकड़ा गया, देख लो सकल में। और इस ग्रोह में 3-4 औरतें भी निकलेंगी, वही बताएगा। इस ग्रोह में 3-4 और ये वीडियो बनाओ, इसके बहुत सब वायरल करो, इसके रसीद कट्टा बाहर लाओ, सबको दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, इसके रसीद कट्टा ले आओ, सबको दिखाओ, चोरों को भी दिखाओ सबको।